नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको ट्रस्ट FI, यानी TFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। एंजॉय द मॉनसून विथ माइलेज रेनवियर एंड फील द डिफरेंस। प्रोडक्ट बाई हाजरा प्लास्टिक, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, रेनवियर एंड विंटर वियर, कोलकाता। अग्रवाल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, सूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। यास तूफान के दौरान दरभंगा के गांव में एलियन जैसे विचित्र प्राणी के आसमान से गिरने की वायरल खबर ने उड़ाई नींद। न्यूज टुडे के फैक्ट चेक में यह वायरल खबर निकली झूठी। बिहार में 1000 से नीचे आया कोरोना का आंकड़ा, आज मिले 991 नए मरीज। टोटल एक्टिव केस भी घटकर 10,308 पर। दरभंगा में भी घट रहे मरीज, आज मिले 23 नए पॉजिटिव केस। डीएम ने किया घनश्यामपुर में टीकाकरण कार्य का निरीक्षण, कमला बलान तटबंध का भी लिया जायजा। मेरा पंचायत कोरोना मुक्त अभियान का डीएम ने किया शुभारंभ। मनरेगा के अंतर्गत राज्य में सर्वाधिक मानव दिवस सृजित करने वाला जिला बना दरभंगा। रैक पॉइंट से SFC के गोदामों तक रास्ते में खाद्यान्नों की चोरी पर हुई कार्रवाई, त्रिसदस्यीय जांच समिति ने दी रास्ते में चोरी की जानकारी। मिथिला विश्वविद्यालय ने अध्यापन के ऑनलाइन मोड को बढ़ावा देना किया शुरू। और CM कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र द्वारा इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित। और समाचार विस्तार के साथ खबरों की शुरुआत उस खबर से जिसने दरभंगा और आसपास के इलाके में लोगों की नींद उड़ा दी। यास तूफान के दौरान दरभंगा के गांव में एलियन जैसे विचित्र प्राणी के आसमान से गिरने की खबर लगातार वायरल हो रही है। न्यूज टुडे को भी फोन कर लोगों ने इस बारे में कई बार पूछा, सैकड़ों लोगों के फोन आए। हमने इसका फैक्ट चेक किया और न्यूज टुडे के फैक्ट चेक में यह वायरल वीडियो, यह वायरल खबर पूरी तरह से झूठी निकली। आप भी देखिए हमारी रिपोर्ट। पिछले दिनों यास तूफान ने देश के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। यास तूफान तो चला गया, लेकिन एक ऐसा बड़ा सवाल दरभंगा और आसपास के इलाकों के लिए छोड़ गया जो अभी तक सनसनी मचाए हुआ है। सैकड़ों लोगों ने दरभंगा में न्यूज टुडे को भी फोन कर इस बात की सच्चाई जाननी चाहिए है और आखिरकार हमें इसकी सच्चाई ढूंढने के लिए निकलना ही पड़ा। यह खबर एक यूट्यूब चैनल पर लगातार कुछ दिनों से वायरल हो रही है और इसके साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी जगहों पर इसे तेजी से शेयर किया जा रहा है। लाखों लोग इस वीडियो को उस यूट्यूब चैनल पर देख चुके हैं। दहशत के मारे लोगों ने लगातार इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन किसी के हाथ सच नहीं लग पाया। और अब जब सच सामने आया है तो सबों ने राहत की सांस ली है। यह खबर बिहार में यास तूफान के दौरान दरभंगा के गांव में गिरे खौफनाक प्राणी से जुड़ी हुई है। एक YouTube चैनल ने लगातार इस पर खबर चलाई या कहा कि यास तूफान में एक ऐसा खौफनाक प्राणी धरती पर गिरा है आसमान से, जिसे देखकर नासा भी दंग रह गया है। नासा ने इसे बड़े खतरे का संकेत माना है, यह भी यह YouTube चैनल बता रहा है। इस प्राणी की तस्वीरें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जैसे उस YouTube चैनल पर इस खबर को देखने वालों के हो गए। यह खौफनाक प्राणी बिहार के दरभंगा जिले के गांव शिवपुर में मिला है, यह भी उस चैनल पर लगातार बताया जा रहा था। बिहार के दरभंगा में आसमान से एक खौफनाक प्राणी गिरा, जिसे नासा ने बताया भविष्य के लिए खतरे का संकेत। 3 से 4 मिनट के लगभग का यह वायरल वीडियो एक यूट्यूब चैनल की क्लिप है, जिसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर खूब पोस्ट किया जा रहा है। इस वीडियो को लाखों लोग अब तक देख चुके हैं।
लोग इस बात से हैरत में पड़ गए कि बिहार के दरभंगा जिले में चक्रवाती तूफान यास के बाद यह विचित्र जीव आसमान से धरती पर गिरा। बड़ा विचित्र है, इसकी आंखें बिल्कुल इंसान जैसी हैं, इसके चार पैर हैं, यह जीव एलियन की तरह दिख रहा है। उस चैनल ने यह भी बताया कि काफ़ी ऊंचाई से तेज गति से गिरने के कारण यह जीव अधमरा हो गया है। लेकिन जब हमने इसकी सच्चाई जाननी चाही तो यह बिल्कुल गलत न्यूज़ निकली। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने भी इसका पूरी तरह से खंडन किया है। उन्होंने कहा कि यह वीडियो उनकी भी जानकारी में है, लेकिन दरभंगा जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और सच्चाई इस वीडियो की यह है कि इस वीडियो में कोई जानवर नहीं है, कोई जीव नहीं है, कोई भयानक जंतु नहीं है, बल्कि सिलिकॉन से बना यह एक खिलौना है जिसे तस्वीरों में दिखाया जा रहा है। असल में यह इटली के आर्टिस्ट लायरा मगानुको की कलाकृति बताई जा रही है। बार बार इस बारे में यह दावा हो रहा था इस चैनल पर कि यह विचित्र और खौफनाक जानवर एलियन हो सकता है। नासा ने भी इस प्राणी को देखकर इसे खतरे का संकेत बता दिया। यह भी यह यूट्यूब चैनल प्रचारित कर रहा था। और सच्चाई जो छनकर सामने आई उसमें सबसे पहले आपको बताएं कि यह वायरल वीडियो या खबर बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है और सच्चाई से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इस बारे में फैलाई जा रही सारी जानकारियां गलत हैं और झूठी हैं। यह तस्वीर किसी जानवर जीव जंतु की नहीं है, बल्कि यह एक सिलिकॉन आर्टवर्क है। इटली की आर्टिस्ट लायरा मगानुको ने इसे बनाया है, तो इस खबर को पूरी तरह से गलत बताता है आपका न्यूज टुडे दरभंगा। बिहार में हजार से नीचे आया कोरोना का आंकड़ा, आज मिले 991 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी घटकर 10,308 पर। बिहार के लिए राहत भरी खबर, 1,000 से कम आया कोरोना मरीजों का एक दिन में मिलने वाला आंकड़ा, टोटल एक्टिव केस भी घटकर 10,308 पर। स्वास्थ्य विभाग ने जो जानकारी दी है वह बिहार के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। लगातार कोरोना के मरीजों के मिलने वाली संख्या में इन दिनों कमी भी आई है और अब यह घटकर 1,000 के नीचे आ गया है। आज 991 नए पॉजिटिव केस मिले हैं कोरोना के पूरे बिहार में, टोटल एक्टिव केस भी घटकर 10,308 पर आ गया है। पटना में 143, अररिया में 52, अरवल में 4, औरंगाबाद में 12, बांका में 3, बेगूसराय में 23, भागलपुर में 16, भोजपुर में 5, बक्सर में 9, दरभंगा में 23, पूर्वी चंपारण में 40, गया में 6, गोपालगंज में 19, जमुई में 7, जहानाबाद में 2, कैमूर में 6, कटिहार में 26, खगड़िया में 25, किशनगंज में 27, लखीसराय में 13, मधेपुरा में 28, मधुबनी में 34, मुंगेर में 31, मुजफ्फरपुर में 47, नालंदा में 8, नवादा में 41, पूर्णिया में 51, रोहतास में 5, सहरसा में 26, समस्तीपुर में 55, सारण में 41, शेखपुरा में 4, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 20, सीवान में 51, सुपौल में 46, वैशाली में 22, पश्चिम चंपारण में 9। दूसरे जगहों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या दूसरे राज्यों की 8 रही। दरभंगा में भी घट रहे कोरोना के मरीज, आज मिले 23 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी घट रही मरीजों की संख्या, आज मिले 23 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोरोना के 23 नए मरीज आज दरभंगा में मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या धीरे धीरे दरभंगा में भी कम हो रही है, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि 23 मरीज भी कोई कम संख्या नहीं है। डीएम ने किया घनश्यामपुर में टीकाकरण कार्य का निरीक्षण, कमला बलान तटबंध का भी लिया जायजा। डीएम ने किया घनश्यामपुर में टीकाकरण कार्य का निरीक्षण, कमला बलान तटबंध का भी लिया जायजा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल, प्रखंड विकास पदाधिकारी घनश्यामपुर एवं ताड़ी, अंचलाधिकारी घनश्यामपुर एवं ताड़ी, कार्यपालक अभियंता झंझारपुर कार्यप्रमंडल 2 एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी के साथ घनश्यामपुर बीआरसी में चल रहे टीकाकरण कार्य का जायजा लिया। जिलाधिकारी के निरीक्षण के क्रम तक घनश्यामपुर बीआरसी टीकाकरण केंद्र पर 18 वर्ष से ऊपर के 189 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका था। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा कमला बलान के दाहिना तटबंध के गरौल में तटबंध के 66वें किलोमीटर के पास एवं ठेंगा के पास झंझारपुर कार्यप्रमंडल 2 द्वारा पूर्व से चल रहे मरम्मती कार्य का अवलोकन किया गया। तटबंध मरम्मती कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही कार्य में लगे मजदूरों को मास्क एवं सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करने का निर्देश दिया गया। मेरा पंचायत कोरोना मुक्त अभियान का डीएम ने किया शुभारंभ।
मेरा पंचायत कोरोना मुक्त अभियान का डीएम ने किया शुभारंभ। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा टीकाकरण हेतु किया जाएगा जन जागरूकता। कोरोना महामारी से संबंधित किसी भी घटना की सूचना हेतु जिला स्तर पर स्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष। बेहतर प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायतों को किया जाएगा पुरस्कृत। समाहरणालय परिसर अवस्थित अम्बेडकर सभागार से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा मेरा पंचायत कोरोना मुक्त अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र, जिला पंचायत राज पदाधिकारी आलोक राज, जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह, वरीय उप समाहर्ता गौरव शंकर, डीपीएम मध्यान्ह भोजन संजय देव कन्हैया, डीपीएम स्वास्थ्य विशाल कुमार, डीपीएम जीविका मुकेश तिवारी सुधांशु, केयर इंडिया के जिला समन्वयक श्रद्धा झा, यूनिसेफ के ओंकार चंद एवं शशिकांत सिंह एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक से ऑनलाइन जुड़े जनप्रतिनिधियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी के संक्रमण पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 6-6 मास्क उपलब्ध कराना, ग्राम पंचायतों में सैनिटाइजेशन करवाना, टीकाकरण एक्सप्रेस का संचालन, कंटेनमेंट जोन को चिन्हित करना इत्यादि प्रमुख है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी आ रही हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, सूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। अब आपके शहर दरभंगा में फुल्ली एयर कंडीशन शोरूम, MN होम सॉल्यूशन, सेंट्रल बैंक के बगल में, एकमी घाट, लहरिया सराय। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ इटालियन एंड इंडियन मार्बल्स, ग्रेनाइट, टाइल्स, स्टोन्स एंड सैनिटरी आइटम्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बाथरूम एंड किचन फिटिंग, रिटेल एंड होलसेल, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ हिंदवेयर। शोरूम में पधारें या फिर अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। सर्वोत्तम क्वालिटी के साथ उचित दाम की गारंटी। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। यास तूफान के दौरान दरभंगा के गांव में एलियन जैसे विचित्र प्राणी के आसमान से गिरने की वायरल खबर ने उड़ाई नींद। न्यूज टुडे के फैक्ट चेक में यह वायरल खबर निकली झूठी। बिहार में 1000 से नीचे आया कोरोना का आंकड़ा, आज मिले 991 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी घटकर 10,308 पर। दरभंगा में भी घट रहे मरीज, आज मिले 23 नए पॉजिटिव केस। डीएम ने किया घनश्यामपुर में टीकाकरण कार्य का निरीक्षण, कमला बलान तटबंध का भी लिया जायजा। मेरा पंचायत कोरोना मुक्त अभियान का डीएम ने किया शुभारंभ। मनरेगा के अंतर्गत राज्य में सर्वाधिक मानव दिवस सृजित करने वाला जिला बना दरभंगा। रैक पॉइंट से SFC के गोदामों तक रास्ते में खाद्यान्नों की चोरी पर हुई कार्रवाई, त्रिसदस्यीय जांच समिति ने दी रास्ते में चोरी की जानकारी। मिथिला विश्वविद्यालय ने अध्यापन के ऑनलाइन मोड को बढ़ावा देना किया शुरू। और CM कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र द्वारा इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित। मनरेगा के अंतर्गत राज्य में सर्वाधिक मानव दिवस सृजित करने वाला जिला बना दरभंगा। मनरेगा के अंतर्गत राज्य में सर्वाधिक मानव दिवस सृजित करने वाला जिला बना दरभंगा। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी की विषम परिस्थिति में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा अंतर्गत अप्रैल मई 2021-22 में दरभंगा जिला द्वारा राज्य में अकुशल मजदूरों को सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि 27 मई 2021 को 97,506 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था। उन्होंने बताया कि माह अप्रैल मई 2021 तक 24,40,213 मानव दिवस का
सृजन किया गया है जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है। इसके साथ ही अकुशल मजदूरों को 4770.50 लाख रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। जिन मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था उनमें 60% महिलाएं थीं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल जीवन हरियाली अभियान एवं ग्राम पंचायतों द्वारा चलाए जाने वाले अन्य योजनाओं में प्रतिदिन 300 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं जिला स्तर पर ग्राम पंचायतवार इसकी निगरानी एवं अनुश्रवण करने की रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही उप विकास आयुक्त सह अपर जिला प्रोग्राम समन्वयक के स्तर पर प्रतिदिन ग्राम पंचायतवार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं कार्य की प्रगति, ससमय मजदूरी का भुगतान करने की समीक्षा की गई तथा वैसे 50 सबसे कम प्रगति वाले ग्राम पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक, कनीय अभियंता एवं प्रोग्राम पदाधिकारी को चिन्हित किया गया। इसकी निगरानी एवं अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर एक जिला निगरानी एवं अनुश्रवण कोषांग का भी गठन किया गया। उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि माह अप्रैल मई 2021 में 5,851 घरों को चिन्हित किया गया जिसमें 8,265 व्यक्तियों को नया जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया। रैक पॉइंट से एसएफसी के गोदामों तक रास्ते में खाद्यान्नों की चोरी पर हुई कार्रवाई, त्रिसदस्यीय जांच समिति ने दी रास्ते में चोरी की जानकारी। रैक पॉइंट से एसएफसी के गोदामों तक के रास्ते में खाद्यान्नों की चोरी पर हुई कार्रवाई, त्रिसदस्यीय जांच समिति ने दी रास्ते में चोरी की जानकारी। दरभंगा रैक पॉइंट से राज्य खाद्य निगम के गोदामों में जाने के दौरान राज्य खाद्य निगम के खाद्यान्नों की चोरी की सूचना मिलने पर जांच हेतु जिलाधिकारी द्वारा 3 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। उक्त त्रिसदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में कई बातें प्रकाश में आई हैं जो काफ़ी गंभीर हैं। उक्त के आलोक में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम द्वारा जिला संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि आनंद प्रेम, सहायक गोदाम प्रबंधक सह उठाव प्रभारी सीएमआर रैक पॉइंट द्वारा रैक अनलोडिंग के दौरान कम बैग प्राप्त होने के संबंध में सूचना जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को दिया गया है। उसमें प्रतिवेदित किया गया है कि 23 मई 2021 को रेलहेड बेला से रोहतास जिले से आए हुए सीएमआर रैंक को अनलोड कराकर चारों मुख्य परिवहन अभिकर्ता द्वारा श्याम धर्म कांटा पर कांटा कराकर बोरा का मिलान कराया गया। उसमें रोहतास जिले से भेजे गए 50,193 बैग में से 315 बैग कम पाए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जांच प्रतिवेदन से ऐसा लगता है कि रैक पॉइंट से कांटे के बीच बोरे का विचलन किया गया है। इस संबंध में जिला प्रबंधक के आदेश द्वारा निगम द्वारा निर्धारित मूल्य की वसूली का निर्देश दिया गया। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जो मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक को संबोधित है इसकी प्रति जिलाधिकारी को भी दी गई है। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लिखित है कि रेल हेड बेला से ट्रकों को लोडकर बाजार समिति के पास कुछ धर्मकांटा के पास लाया जाता है। इस बीच रास्ते में महिंद्रा शोरूम से लेकर मब्बी मोड़ तक चलती ट्रक से पिकअप वाहन सटाकर चावल की बोरी उतार ली जाती है। जिला प्रबंधक द्वारा यह भी कहा गया कि कई बार प्रतिनियुक्त सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा पकड़े जाने पर ट्रक या पिकअप वाहन द्वारा शारीरिक क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया है जिसकी अनेक बार सूचना थाना और अनुमंडल प्रशासन को दिया गया। इस संबंध में जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम दरभंगा से 24 घंटे के अंदर बिंदुवार स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस, ऑल क्लासरूम्स आर एज पर सीबीएसई नॉर्म्स, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। मार्बल वर्ल्ड सैद नगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरिया सराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा, सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज, थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत, बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। यास तूफान के दौरान दरभंगा के गांव में एलियन जैसे विचित्र प्राणी के आसमान से गिरने की वायरल खबर ने उड़ाई नींद, न्यूज टुडे के फैक्ट चेक में यह वायरल खबर निकली झूठी। बिहार में 1,000 से नीचे आया कोरोना का आंकड़ा, आज मिले 991 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी घटकर 10,308 पर। दरभंगा में भी घट रहे मरीज, आज मिले 23 नए पॉजिटिव केस। डीएम ने किया घनश्यामपुर में टीकाकरण कार्य का निरीक्षण, कमला बलान तटबंध का भी लिया जायजा। मेरा पंचायत कोरोना मुक्त अभियान का डीएम ने किया शुभारंभ।
मनरेगा के अंतर्गत राज्य में सर्वाधिक मानव दिवस सृजित करने वाला जिला बना दरभंगा। रैक पॉइंट से एसएफसी के गोदामों तक रास्ते में खाद्यान्नों की चोरी पर हुई कार्रवाई, त्रिसदस्यीय जांच समिति ने दी रास्ते में चोरी की जानकारी। मिथिला विश्वविद्यालय ने अध्यापन के ऑनलाइन मोड को बढ़ावा देना किया शुरू। और सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र द्वारा इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित। मिथिला विश्वविद्यालय ने अध्यापन के ऑनलाइन मोड को बढ़ावा देना किया शुरू। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने कोरोना महामारी की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अध्यापन के ऑनलाइन मोड को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। कोरोना की पहली लहर से ही विश्वविद्यालय विभागों ने ऑनलाइन अध्यापन को गंभीरता से अपनाया, इस दूसरी लहर ने इसे विस्तार दिया है। विश्वविद्यालय विभाग स्नातकोत्तर कक्षाओं के साथ ही स्नातक कक्षाओं के लिए भी ऑनलाइन वर्गों के संचालन का संयोजन कर रहे हैं। स्नातक तृतीय खंड के सर्वथा उपेक्षित पत्र GES के केंद्रीयकृत ऑनलाइन वर्ग समाज विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह के संयोजन में रहे हैं। पूर्व में प्रोफेसर सिंह के संयोजन में स्नातकोत्तर प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के AECC के ऑनलाइन वर्ग सफलतापूर्वक संचालित हो चुके हैं। स्नातक प्रथम खंड भौतिकी प्रतिष्ठा के ऑनलाइन वर्ग विश्वविद्यालय भौतिकी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के संयोजन में संचालित हो रहे हैं। अब आगामी 15 जून से 10 जुलाई तक स्नातक प्रथम खंड समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्ग संचालित होंगे। और सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र द्वारा इंडक्शन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र द्वारा जनवरी 2021 सत्र के अध्येताओं का इंडक्शन कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित। इग्नू न्यूनतम दर पर सबको समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, बोले डॉक्टर शंभु शरण। इंडक्शन कार्यक्रम पूर्णतः उचित जानकारी प्रदान कर विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु करता है प्रेरित, कहा डॉक्टर राजीव कुमार ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय विश्वविद्यालय इग्नू छात्रों तक पहुँच बनाकर शिक्षा का करता है लोकतंत्रीकरण, बोले प्रोफेसर विश्वनाथ। इग्नू दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जहां छात्र को लर्नर्स तथा शिक्षक को काउंसलर कहा जाता है। इग्नू सभी के लिए खुली शिक्षा व्यवस्था है जो उच्च तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाला, न केवल विद्यार्थी संख्या की दृष्टि से बल्कि अध्ययन गुणवत्ता की दृष्टि से भी विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इसे गत जनवरी में NAC द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। उक्त बातें इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय निदेशक डॉक्टर शंभु शरण सिंह ने सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में आयोजित जनवरी 2021 सत्र में नामांकित विद्यार्थियों के इंडक्शन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कही। मुख्य वक्ता के रूप में सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि इंडक्शन कार्यक्रम विविध जानकारी प्रदान कर विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु प्रेरित करता है। विषय प्रवेश इग्नू सहायक समन्वयक डॉक्टर शिशिर कुमार झा ने किया। वहीं सीएम कॉलेज के इग्नू समन्वयक डॉक्टर आर.एन. चौरसिया ने अतिथियों का स्वागत एवं कार्यक्रम का संचालन किया। आज दिनांक 4 जून 2021 को सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र 0522 पे छात्रों के लिए इंडक्शन मीटिंग या परिचयात्मक सत्र का आयोजन किया गया। और इस तरह के जो आयोजन हैं, बेसिकली उन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो छात्र जो सामान्य शिक्षण प्रणाली से आते हैं तो उनको दूरस्थ शिक्षा की प्रणाली की पूरी तरह जानकारी हो पाए, उनको किस प्रकार से सत्रीय कार्य या असाइनमेंट जमा करने हैं, उनको किस प्रकार से पुनः प्रवेश या सेकेंड ईयर में प्रवेश लेना है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हम लोगों ने आज इस इंडक्शन मीटिंग में दी। इंडक्शन मीटिंग में काफ़ी स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लगभग पूरी मीटिंग के दौरान 100 से अधिक छात्र उपस्थित रहे। और मीटिंग के साथ साथ में एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम भी हम लोगों ने रखा और उस इंटरैक्टिव प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि बच्चों को जो भी समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स पर हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। जनवरी 2021 सत्र में नामांकित छात्रों का इंडक्शन प्रोग्राम हुआ जिसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसका विषय प्रवेश सहायक समन्वयक शिशिर कुमार झा ने किया, जबकि स्वागत और संचालन मैं डॉक्टर आर.एन. चौरसिया समन्वयक इग्नू अध्ययन केंद्र सीएम कॉलेज दरभंगा के द्वारा हुआ, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सहायक समन्वयक डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर GD कॉलेज बेगूसराय के समन्वयक डॉक्टर कमलेश कुमार तथा बेतिया से डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा विशिष्ट वक्तव्य दिए। साथ ही साथ छात्रों के जितनी भी तरह की जानकारी देनी थी, चाहे इग्नू से संबंधित हो, क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा अथवा सीएम कॉलेज के
इग्नू अध्ययन केंद्र वो उपलब्ध कराई गई, क्या क्या सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध हैं, पुस्तक कैसे लेना है, फॉर्म कैसे भरना है आदि, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। काफ़ी लाभदायक छात्रों को लगा और यह 2 घंटे के कार्यक्रम में आज शिक्षकों का छात्रों से परिचय और छात्रों का आपसी परिचय भी हुआ। ये थे अब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। यास तूफान के दौरान दरभंगा के गांव में एलियन जैसे विचित्र प्राणी के आसमान से गिरने की वायरल खबर ने उड़ाई नींद, न्यूज टुडे के फैक्ट चेक में यह वायरल खबर निकली झूठी। बिहार में 1000 से नीचे आया कोरोना का आंकड़ा, आज मिले 991 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी घटकर 10,308 पर। दरभंगा में भी घट रहे मरीज, आज मिले 23 नए पॉजिटिव केस। डीएम ने किया घनश्यामपुर में टीकाकरण कार्य का निरीक्षण, कमला बलान तटबंध का भी लिया जायजा। मेरा पंचायत कोरोना मुक्त अभियान का डीएम ने किया शुभारंभ। मनरेगा के अंतर्गत राज्य में सर्वाधिक मानव दिवस सृजित करने वाला जिला बना दरभंगा। रैक पॉइंट से एसएफसी के गोदामों तक रास्ते में खाद्यान्नों की चोरी पर हुई कार्रवाई, त्रिसदस्यीय जांच समिति ने दी रास्ते में चोरी की जानकारी। मिथिला विश्वविद्यालय ने अध्यापन के ऑनलाइन मोड को बढ़ावा देना किया शुरू। और सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र द्वारा इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।